ये आप देख सकते हैं जीएस पॉइंटर 2022 का नया एडिशन है ये। इस बुक में मेरे के लिए एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, मतलब लगभग मैं इसको 15-16 नवंबर के आसपास लिया था। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि ये 1990 से 2021 तक का जो क्वेश्चन है उसको कवर करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, ना कि छत्तीसगढ़ का या किसी भी अन्य जो राज्य में रहते हैं उसका। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका क्वेश्चन काफी सही है, क्वेश्चन सही है, मतलब इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही तो क्वेश्चन लोक सेवा आयोग में पूछा जाएगा, चाहे उत्तर प्रदेश का हो किसी। लेकिन इसको आप लोग एक वनडे एग्जाम के रूप में, क्विक रिविजन के रूप में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कोई ज़्यादा बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है, जैसे अकार्बनिक रसायन बस इतने में ख़त्म कर दिया, और कोई भी टॉपिक है जैसे कि तो 2-4 लाइन में ही ख़त्म कर दे रहे हैं कुछ भी टॉपिक को, तो ये उतना मार्ले मिंटो सुधार सिर्फ 3 लाइन में ख़त्म कर दिया गया है। बहुत सारा कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको सिर्फ 2-3 लाइन में, या किसी किसी को तो 1 लाइन में ख़त्म कर दिया गया है। और ये इसका विषय सूची मैं आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ यही है इसका विषय सूची जो जो सामने में है। इस बुक का प्राइस है 290 रुपये, जो कि मेरे को डिस्काउंट करके 203 रुपये पड़ा, 30% डिस्काउंट आप निकाल लीजिए। ये देखिए, सामान्य विज्ञान, भारत के इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, भारत एवं विश्व का भूगोल, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, परिस्थितिक एवं पर्यावरण, उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण तथ्य। तो ये उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण तथ्य तो उन लोगों के लिए है जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम लोगों के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है कि इस बुक के ही भरोसे कोई एग्ज़ाम निकाला जा सके। सामान्य विज्ञान में भी ये विस्तृत अध्ययन नहीं है, इसको आप एक रिविज़न के तौर पर यूज़ कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन इतना है कि 2022 एडिशन भले लिखा है, लेकिन ये 2021 में आ गया था, मुझे लिए एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। दुकान में भी बता रहा था कि एक पिछले कुछ महीनों से, 3-4 महीने से आ गया है। अब इस बुक की खासियत यही है कि इसमें जो पुराने क्वेश्चन हैं वो इसमें रिपीट हो रहे हैं, यानी कि उसको ये देखिए, जो पुरावलोकन का अलग अलग विषय का सब्जेक्ट का जो आता है, राज्य आधारित प्रश्न, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, भौतिक, आर्थिक, जो भी समसामयिक, भारतीय इतिहास, सामान्य भूगोल, उसको एक वन लाइनर फॉर्मेट में इसको एकत्रित करके इसको बनाया गया है। आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही कम समय है, ज़्यादा क्वेश्चन में, ज़्यादा पुस्तक में, इतना सारा मोटा मोटा तो बुक नहीं पढ़ सकते, तो एक इसको आप खरीद सकते हैं। जिस एक समय होता था जब घटना चक्र से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब ऐसा है कि नहीं, आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही इसका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई नया क्वेश्चन है, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हाँ पढ़ा हुआ है, रिविजन हो रहा है, मतलब रीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है, प्रजातियाँ जनजातियाँ को बिल्कुल ही, जैसे जो जिसका एक पूरा बुक आता है, अगर जनजाति का आप एक बुक लेंगे तो पूरा बुक आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए जनजाति को सिर्फ एक पेज से भी कम में ख़त्म कर दिया गया। तो ये है, इसमें बहुत कुछ आपका कवर नहीं होगा, आपको अगर विस्तृत अध्ययन करना है तो कुछ कुछ जैसे लिशेंट का बुक ले सकते हैं, लिशेंट का बुक लेने के बाद इसको आप रिविज़न कर सकते हैं। रिविज़न करने के लिए जैसे महेश कुमार वर्णमाल का वन लाइनर आता है, वैसे ही इसको भी, लेकिन महेश कुमार वर्णमाल का जो बुक है वो ज़्यादा कुछ कवर करता है, तो ये उसी के समांतर है जो परीक्षावाणी का वन लाइनर आता है, लेकिन ये इसमें कम आपका सिलेबस कवर होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगे। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मैं कुछ नई बुक्स का रिव्यू करूँगा, मेरे पास बहुत सारे बुक्स हैं, जेंसी टिसार संग्रह भी है और लुशेंट का भी है मेरे पास, और भी कुछ हैं जो पिछले साल मैंने लिए थे।